फरमाया वाली कुल उम्मतिन जअलना मनसका, फरमाया हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी है। यह नहीं है कि कुर्बानी इस उम्मत पर फ़र्ज की गई या वाजिब की गई, बल्कि नहीं, वाली कुल उम्मतिन जअलना मनसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी रखी, पहले जितनी भी उम्मतें आईं उनके अंदर भी कुर्बानी मौजूद थी। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन फरमाता है ताकि उम्मत मुस्लिमा को तसल्ली हो जाए कि ये हुक्म हम पे ही नहीं नाफिज किया जा रहा या हम पे ही नहीं लागू किया जा रहा, बल्कि पहली उम्मतों के अंदर ये राइज था, ये कानून था। ये तो फिर उम्मत मुस्लिमा पे रब ने करम कर दिया कि पहले जितनी भी उम्मतें थीं वो कुर्बानी करते, उनके लिए उसूल ये होता था, कानून ये होता था कि वो गोश्त खुले आसमान के नीचे रख दिया करते, आसमान से आग आती और उस गोश्त को अगर ले जाती तो फिर ये होता कि एक तो गोश्त चला गया और दूसरा उन्हें यह बशारत होती कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे कितना करम किया, एक तो करम की ये किया कुर्बानी करो गोश्त भी तुम खाओ, और दूसरा सबसे बड़ा करम वो ये है रब ने हमारे कुर्बानियों पे पर्दा रख दिया। अगर आप ज़रा गरबान में झांक कर देखें, मैं हूँ या आप सारे इज़्ज़तदार अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, आप में से ये मेरे जैसा नालायक कोई बंदा कुर्बानी करता, अगर रब कबूल ना करता तो फिर कितनी शर्मिंदगी वाली बात होती। लेकिन रब ने इस पर पर्दा रख दिया, ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, इस दुनिया के अंदर मैं तुम्हारे राजों पे पर्दा रख रहा हूँ ताकि दुनिया के अंदर तुम बेइज्जत ना हो। हमारे उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना रहीम करीम है, उसको अपना महबूब इतना प्यारा है, महबूब के सदके ये उम्मत इतनी प्यारी है, क़यामत के दिन भी रब बेइज्जत नहीं करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, वहाँ भी इज़्ज़त के ताज अता फ़रमाएगा। क्यों इज़्ज़त के ताज अता फ़रमाएगा कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। फरमाया वाली कुल उम्मतिन जअलना मन सका, हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी रखी, किस लिए, लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फरमाया इसलिए कि वो कुर्बानी करते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जिक्र करें, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, मफहूमी तर्जमा अर्ज़ कर रहा हूँ, जो उन्हें चौपाए अता किए गए उनमें से जब रब की बारगाह में कुर्बानी करेंगे तो फिर कुर्बानी करते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेना है। क्यों, फ़ इलाहुकुम।